हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज है विनायक चतुर्थी, तो आज के दिन सुने विनायक चतुर्थी की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा? यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से 3 बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा। उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होना कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी देश भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनसे कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँच सकूँ, वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रोष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक की बताई अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से वह नाराजगी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी यह 21 दिन के व्रत किए तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश का पूजा अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।